अल्हम्दुलिल्लाह मदीना का पास है। हालात पे जा रहे हैं हाँ। दोस्तों सिहाब भाई सऊदी अरब में मदीने के पास पहुंच गए हैं, जहां इनसे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। सिहाब भाई केरल से पैदल चले थे, जो अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। सिहाब भाई का बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया था, कह रहे थे सऊदी अरब पैदल चलकर कैसे पहुंचेंगे, घर वापस चले आओ। मगर सिहाब भाई ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, मेहनत और लगन से मंजिल की ओर बढ़ते रहे। अब सिहाब भाई मदीने के करीब पहुँच चुके हैं, देखे सिहाब भाई ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिहाब भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना का पास है। 300 किलोमीटर पहले मैं सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह बाकी 10-12 दिन का अंदर इंशाल्लाह मैं मदीना पहुँचेगा हमारे हुजूर का साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मेरे लिए दुआ में याद रखना, मैं भी इंशाल्लाह पूरा उम्मत के लिए दुआ करेगा, पूरा दुनिया के लिए इंशाल्लाह दुआ करेगा। मदीना जाने के बाद इंशाल्लाह मैं मक्कतुल मुकर्रमा हज का दिन मैं काउंट किया, बात कितना दिन है देखा बाद में, इंशाल्लाह 10-15 दिन मैं उधर जाएगा इंशाल्लाह। आज यौमुल जुमा है ना, सबको जुमा मुबारक। हमारा भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों हज 2023 में सिहाब भाई को शामिल होना है, जिसमें 2 महीने से कम का समय बचा है। 26 जून से पहले सिहाब भाई को मक्का पहुंचना है। भारत से हज 2023 में 1,75,000 लोग शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां चल रही है। सिहाब भाई के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।